नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पार्ट 4 क्वेश्चंस एंड आंसर्स की बात करेंगे। जिन किसान भाइयों ने पार्ट 1, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है, आप उसको ज़रूर देखिए। मैंने जनवरी से लेकर टिल मई तक, आज 6 तारीख है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उन सभी पार्ट्स में मैं कम्प्लीट करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन जो काफ़ी किसानों ने मेरे से पूछा है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किसान भाइयों ये है कि निर्धारित डोज करने के बाद भी, जैसे कि मैंने आपको बताई या जैसे कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स आपको रिकमेंड करते हैं किन्नू, संतरा, मौसमी, माल्टा के बाद में फर्टिलाइज़र्स की, वो देने के बावजूद भी हमारे बाग में आयरन की डेफिशिएंसी है, किसी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, किसी में पोटाश की कमी है या किसी में फॉस्फोरस की एक्सेस है, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि न्यूट्रिएंट की हम प्रॉपर देने के बावजूद भी जो है हम डेफिशिएंसी प्लांट हमें शो कर रहा है। तो उसके लिए हमें दो ला समझने पड़ेंगे। जो फर्स्ट ला है वो है मल्डर्स चार्ट और सेकंड जो है वो ला बैक ले ऑफ मिनिमम है। तो ये फर्स्ट स्लाइड जो आपको मेरे सामने दिख रही है ये मल्डर्स चार्ट की स्लाइड है। मल्डर्स चार्ट को समझने से पहले हम एंटागोनिज्म और स्टिमुलेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंटागोनिज्म का मतलब ये है, अगर हम मान लीजिए नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हमारे प्लांट में शो करता है और यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर के द्वारा 8 ग्राम जो डोज नाइट्रोजन की फिक्स की गई है स्प्रे में पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, और हम उसे 12 से 15 ग्राम देते हैं, ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं जल्दी पूरा करने के लिए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्लांट पर, तो वो समझने का कोशिश कीजिए आप एंटागोनिज्म में। अगर नाइट्रोजन की डोज हम निर्धारित डोज से ज़्यादा देंगे तो जो अवेलेबिलिटी हमारे प्लांट को पोटाश की या कैल्शियम की होनी चाहिए वो अवेलेबिलिटी हमारा प्लांट नहीं ले पाएगा, तो इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा देने से डेफिशिएंसी पोटाशियम और कैल्शियम की हमारे बाग में शो होगी, तो इस एग्ज़ाम्पल को बोलते हैं एंटागोनिज्म। और स्टिमुलेशन का मतलब ये है, यदि अगर हम नाइट्रोजन की जो है डेफिशिएंसी है और निर्धारित अमाउंट में नाइट्रोजन उसको देते हैं तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी प्लांट शो करना बंद कर देगा और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट को इस्टेब्लिशमेंट करेगा लेने के लिए। जैसे नाइट्रोजन का जो स्टिमुलेशन वाला है वो है मैग्नीशियम। अगर नाइट्रोजन हम देंगे ज़्यादा अमाउंट में तो मैग्नीशियम भी प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में देना होगा ताकि मैग्नीशियम की कमी प्लांट को शो ना हो। तो मेरा आपसे ये ओपिनियन है, सजेशन है, जितनी भी डोज हमने आज से पहले 5 न्यूट्रिएंट वीडियोस में डिस्कस करी है आप उसी हिसाब से न्यूट्रिशन की डोज अपने फर्टिलाइज़र्स को उसी हिसाब से आपने निर्धारित कर स्प्रे करना है। इसके लिए एग्जांपल मैंने एक डाटा तैयार किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करता हूँ, आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि ये जो डोजेज़ हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पॉइंट्स में हो। अब ये देखिए सेकेंड स्लाइड में आप देख रहे हैं पोटेशियम अगर मैं एक्सेस में लेता हूँ। अब आप सेकंड स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि देखिए मैंने एक किसी प्लांट को एक्सेस में पोटेशियम की स्प्रे दी है, चाहे वो फोलियर है और चाहे बायसोयल है, तो जो क्या न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट में डेफिशिएंसी या इन्फ्लुएंसी शो करेगा। डेफिशिएंसी का मतलब कम, इन्फ्लुएंसी का मतलब ज़्यादा, तो अनबैलेंस जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। सेम अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम हम अपने प्लांट के में ज़्यादा देंगे तो जो इनबैलेंस होगा वो पोटेशियम का होगा। अगर फॉस्फोरस ज़्यादा होगा तो वो इम्पैक्ट डालेगा जिंक और आयरन पे। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें ज़्यादा होगा तो वो इम्पैक्ट डालेगा सल्फ़र पे और कॉपर पे। सल्फ़र पे अगर हम ज़्यादा जो डोज देंगे एक्सेस में तो वो डालेगा सेलेनियम पे, और मॉलिब्डेनम की डोज अगर हम बढ़ाएंगे तो वो कॉपर की डेफिशिएंसी को शो करेगा। तो जितने भी न्यूट्रिएंट की डोज हमें है वो ध्यान से और अपना पॉइंट्स में बिल्कुल मेज़र करके हमें अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। अब एक एग्जांपल जैसे मैं और आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए हमने नाइट्रोजन की डोज 8 ग्राम जो सुजेस्टेड है वही अपने प्लांट को दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्लांट है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी शो कर रहा है, तो हमने क्या करना है, सिंगल नाइट्रोजन को 8 ग्राम की बजाय 15 ग्राम की बजाय हमें 8 ग्राम ही देना है, उसकी स्प्रे हम एक हफ्ते बाद दोबारा से 8 ग्राम की करेंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी 8 ग्राम से हमारी पूरी नहीं हो रही है तो हम उसको 15 ग्राम देने की बजाय 8-8 ग्राम के बाद दो बारी देंगे। और जैसे कि अब 13-0-45 के साथ हम आयरन या फिर हम जो है मैग्नीज सल्फेट की स्प्रे करते हैं, बोरोन की स्प्रे करते हैं,
अब उसमें अगर हमने आयरन साथ में दे दिया और आयरन देने के 15 दिन बाद 20 दिन बाद अगर हमारी प्लांट जो है आयरन की डेफिशिएंसी नहीं शो कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम में हम 13045 के साथ आयरन की स्प्रे नहीं करेंगे, हम अकेला 13045 करेंगे। और साथ में अगर मैगनीज की डेफिशिएंसी वो अभी भी प्लांट शो कर रहा है तो हम 13045 प्लस मैगनीज सल्फेट उसके साथ देंगे। तो ये किसान भाइयों बड़ा ही हमें सोच समझ कर फर्टिलाइज़र तय करना है, अपना अपनी लीफ एनालिसिस अब मई के टाइम में करवाने के बाद हम सही तरीके से अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिसाइड करेंगे और हम स्प्रे करेंगे। तो जो सेकंड लॉ है वो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, वो है ला ले बैग ऑफ मिनिमम। जर्मन एक साइंटिस्ट थे 19वीं सेंचुरी में, जस्टिस वॉन लेबग, उन्होंने एक लॉ की खोज करी जिसके आधार में आपको समझाना चाहूँ। तो अगर मान लीजिए 10 साल के प्लांट का हम एवरेज लेते हैं कि उसकी टेंडेंसी है, उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी 5 क्विंटल फ्रूट प्रोड्यूस करने की है, लेकिन हम न्यूट्रिशन को पूरा देने के बावजूद भी उसका 5 क्विंटल फ्रूट जो है नहीं निकाल पा रहे, तो वो जो न्यूट्रिशन देने के बावजूद भी यील्ड हमारी 5 क्विंटल जितनी आ सकती है नहीं आ रही, तो वो न्यूट्रिएंट वो डिसाइड करेगा जो कि उसको मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि अब 17 एलिमेंट्स जो हमें चाहिए अपने किन्नू के बाग के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश है, ये मेजर हो गए, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, जिंक है, बोरोन है, और अपना मैग्नीज है, निकल है, क्लोरीन है, ये सब जो है हमारे माइनर न्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट्स हम इन्हें कह सकते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं, जो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है जैसे कि मोलिब्डेनम की। तो मोलिब्डेनम जो न्यूट्रिएंट है वो डिसाइड करेगा प्लांट की यील्ड को, जो सबसे मिनिमम हमारी क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए वो हमारा सबसे लिमिटिंग फैक्टर या सबसे मेजर न्यूट्रिएंट कहलाता है, हमारी फुल जो है उसकी हार्वेस्टिंग और फुल जो है टेंडेंसी प्लांट की लेने के लिए फ्रूट के लिए। तो ये लॉ बैक ऑफ मिनिमम जो है ये है। तो आज के लिए किसान भाइयों इतना ही, हमें अपनी फर्टिलाइज़र की जो भी डोज बनी है उसी हिसाब से जो न्यूट्रिएंट का स्प्रे निर्धारित कर और सही टाइम पे हम स्प्रे करना है। अगले वीडियोस में हम क्वेश्चंस के अगले पार्ट लेंगे। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।